हेलो स्टूडेंट्स, मायसेल्फ सुधा डबरा, वेलकम टू माय चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है कि फाइंड, हमें फाइंड करना है और यहाँ पे थ्री पार्ट्स हमें गिवन है। ओके, चलिए सॉल्यूशन हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट गिवन है 64 की पावर 1/2। ओके, कैसे सॉल्व करते हैं देखो। यहाँ पे जो 64 है, सबसे पहले आप उसके प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। ओके, 64 2 2 3 6 2 4 अपन 2 2 16 32 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2। और यहाँ पर देखो आप 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 टाइम्स 2 आया, हम 2 की पावर 6 लिख देंगे। ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि बाहर भी एक पावर है जो कि 1/2 है। ओके, अब आपने पता ही है, मैंने यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के जो रूल्स हैं वो लिखे हैं यहाँ पे। हम इनको देखते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि अब इस क्वेश्चन में कौन सा लॉ अप्लाई होता है इसमें। तो देखो यहाँ पे देखो, थर्ड में a की पावर m ब्रैकेट बाहर भी n है, यानी कि m और n यहाँ पे दो पावर दे रखी हैं, एक ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है। तो इसका मतलब इसमें ये वाला लॉ अप्लाई होगा। और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बेस तो वैसे का वैसे लिखा जाएगा और पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो सेम हम यहाँ पर भी करेंगे, 2 की पावर 6 और 1/2 है, उनके क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई। ओके, पावर की मल्टीप्लाई होगी। तो देखो 2 1 2 2 3 6, यानी कि 2 की पावर होगी 3। इट मीन्स हम 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 4 2 8, और 8 हमारा आंसर आएगा। ओके, अब आ जाइए सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है 32 पावर 1/5। ओके, हाँ, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ बच्चों, कि आप ये थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखो कि बेस और जो पावर है, एक्सपोनेंट है जो, उसको कैसे लिखा जाता है। कई बच्चे जो जब लिखते हैं, जैसे ये आपकी कॉपी की लाइन से आपने 3 लिखा, तो वो 1/5 ऐसे लिखेंगे, पावर ऐसे लिखी जाएगी, ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा एक तरह से। ये गलत मेथड है लिखने का, नहीं, इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा 3 की पावर 1/5। बहुत छोटा सा लिखा जाता है पावर। ओके, बेस बड़ा लिखा जाएगा और पावर थोड़ा स्मॉल लिखा जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने भी वैसे लिखा है, देखो 32 मैंने बड़ा लिखा है और 1/5 छोटा सा लिखा है ना। अच्छा, अब देखिए 32 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 32 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 16 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर होगी 5 ब्रैकेट, और पावर फिर होगी 1/5, क्योंकि ये वाली पावर भी तो आएगी। ओके, अब क्या है इसमें, कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, यही वाला अप्लाई हो रहा है, एक पावर ब्रैकेट के अंदर, एक पावर ब्रैकेट के बाहर है। देखो यहाँ पे भी एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है। तो ये किसके इक्वल होता है, ए की पावर एम एन। तो ये किसकी, मतलब पावर क्या हुई, आपस में मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे भी जो पावर है उनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 1 आ गया और 2 की पावर होगी 1, यानी कि आंसर हमारा 2 ही है। ओके, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट 125 की पावर है 1/3। ओके, 125 के फिर से फैक्टर सॉल्व कर दीजिए। 125 5 5 5 5 2 10 5 25 5 5 25 5 1 5 5, कितने टाइम्स आए, 3 टाइम्स आए। तो 5 की पावर 3 ब्रैकेट, फिर 125 पे भी तो पावर है 1/3 की, वो भी लिखी जाएगी। और इसमें कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, यही थर्ड वाला, एक पावर अंदर है ब्रैकेट के, एक पावर बाहर है, तो पावर क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी इनकी पावर क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई। तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 2 3 कैंसिल, आंसर कितना है, 5 की पावर 1, यानी कि 5। ओके, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया।